नमस्कार, सुप्रभात। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर राज किशोर पाणी आपमानको स्वागत करुचि भाग्य भविष्य लाइव को। दर्शक बंधु, आपमानको प्रश्न, आपमानकर समस्या उपरे आमर कार्यक्रम भाग्य भविष्य। आपमानकर जे प्रश्न रहुचि, समस्या रहुचि, ताले स्क्रीन ने फ्लाश होतबा नंबर रे आपण हमको कॉल करंतु। कॉल करिया बेले आपण आपनकर सठिक जन्म तारीख, जन्म समय एवं जन्मस्थान कहतु। दर्शक बंधु, जमीक आप जानते प्रत्येक दिन आम कि विषय उपर आलोचना करतमान समय बहुत उपर आलोचना करवाहिक दाम्पत्य सुख आपको केमती मिल पार कौन अच्छी आपं जतक जुग केमती लाइफ पार्टनर आपको मिल पारे केमती आटीच्यूड रोकर केमती स्वभाव रोकर केमी संबंध स्थापन करेंगे आपण पर उत्तम बुझाणा केमती रखिपारे केमती मेरेज लाइफ अच्छी आपंकर देखुं आलोचना करोस्कोप्रे कौन विशेष जुग अच्छी लग्न को देखुं कहीं लग्न आपंकर स्वभाव आपंकर क्यारेक्टर केमती व्यक्ति विशेष रोचा आपण आपंकर कथबार्ता वे अफ टकिंग केमती रोचे केमती पर आपंकर कथबार्ता मध्यम आप संपर्क स्थापन करतीपाई सेकेंड हाउस को देखुं सेकेंड हाउस आपंकर स्थान आपंकर सेविंग्स हाउस सेकेंड हाउस जब बहुत स्ट्रंग अच्छी तेल बहुत भल पर आपंकर बहुत भल सेविंग्स क्वालिटी आपतर बहुत भल अच्छी कहीं मेरेज पर बहुत भल भाव देखा दरकार विशेषकर आपंकर स्वभाव को आपंकर चरित्र को आपति व्यक्ति विशेष रोचा केमती पर आपंकर कहीं आप मेरेज करा चाहते आपार केमी संबंध रोच आपंकर मेरेज लाइफ को केत सपोर्ट करेंगे पर लोक से सेकेंड हाउस को देखुं फोर्थ हाउस आपंकर मानसिक स्थिति केमती रोच बहुत पूर्व मेंटल कंडीशन केमती अच्छी केते हैप्पीनेस आपण को भीतर अच्छी मैरिज परे केते रहिबो केमती लाइफ पार्टनर आप चॉइस करिबे जा सहित मैरिज रो प्रपोजल आसी तांकर फोर्थ हाउस जदि आपंक सहित मैच करूची जदि आपंकर फोर्थ हाउस रे पॉजिटिव प्लैनेट रहउचंती शुभ ग्रह को प्रभाव रहउची शुक्र चंद्र बुध एवं बृहस्पति फोर्थ हाउस रे जदि पोजीशन नकुचंती तांकर मध्य जदि पोजीशन नकुचंती फोर्थ हाउस रे शुभ ग्रह को प्रभाव रहउची तले अधिक मैचिंग रहिबो आपंकर फोर्थ हाउस रो मैचिंग मानसिक स्थितर मैचिंग मन सहित मन मिलन हो पार बहुत भल मैचिंग आपंकरे बहुत भल मेरेज लाइफ हो पार जदि आप मेरेज कर जड़े कलर जोड़ सहित कथा हाँ हेलो 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 आज्ञा कहूँ तो क्या विशेष जानवे स्वामी विशेष आज्ञा उठ जानुरी हाँ तीस जानुरी सकाल संध्या सातटा संध्या सातटा हाँ ठीक कौन हाँ ठीक कौन जन्मस्थान कौन तो जन्मस्थान बरमपुर हम कौन बच्ची देह पार्टी के ठीक रहूनी आओ कौन भविष्य कौन जानिए देखा उसे कौन जानिए चाहो चुनती आउ थोड़े प्रश्न रखो तंगरो देह पार्टी के ठीक रहूनी अच्छा कौन हेले हाँ ठीक अच्छा जहाँ आप अगर सब देखिए बाह हेल कुनी की आपनों अधिका चिंतित हो चुनती आप अगर लग्न हो ची सिंह का लग्न जेतु लग्न आप अगर सिंह का लग्न लग्न हेल को रिप्रेजेंट करे केमती हेल्थ रोची आप अगर लाइफ रे जेतु लग्नाधिपति सूर्य आप अगर हरस्को प्रे सिक्स हाउस रे रोग स्थान रे पोजिशन रखुची एवं शनि प्रभाव रोच पापकर्तरी जुग रोच लग्नाधिपति सूर्य जेतु सिक्स हाउस पोजिशन नौ प्रत्येक समय हेल्थ को लेकिन आप स्ट्रगल वर्तमान समय बृहस्पति रे मंगल चलती जेहतु बृहस्पति हेल्थ काराग्रह एट हाउस लॉर्ड टेन्थ हाउस बकरी अच्छी और राहु सहित कंजक्शन अच्छी से हेल्थ को लेकिन समय समय आप स्ट्रगल करना कि इश्यू लगिक रोचे आपको प्रत्येक समय जेहतु सेभेन्थ हाउस शनि मंगल जुग मध्य रोच लग्न को दृष्टि रोच शनि और मंगल आकस्मिक भाव में किसी ना कि समस्या आसी जाऊँगी आपण को हेल्थ रे वर्तमान समय नेगेटिव अच्छी आग को बहुत भल समय आसो हेल्थ रे किसी ना कि सुधार आसी पार आग को बहुत भल समय आस देखु तो 2022 मार्च परे परे 23 मार्च 2022 परे परे वर्तमान समय जहाँ भी स्ट्रगल करेल्थ को लेकिन बहुत भल हेल्थ र्योर हो पारे आपण कितु हेल्थ पर गोटे प्रतिकार करूँ वर्तमान समय गोटे चंडी पूजा करूँ विशेषकर रोगान शेषान नपहंसी तुष्णा रुष्टा तुकामान सकला नभीष्टान तुमाश्रितानाम नविपन्नराणम तुमाश्रिता या श्रेतं प्रयंती ये मंत्र को संपूर्ण संपूर्ण करंतु सप्तशती चंडी रे बहुत भल हेल्थ रहिबो बहुत भल फ्यूचर अच्छी आपणकर
अन्य एक प्रतिकार करंतु हेल्थ पाई फ्यूचर पाई राइट हैंड रो लिटिल फिंगर रे गोटे आपण पाना पिंधतु आपंकर हेल्थ पाई आपंकर फ्यूचर पाई बहुत पॉजिटिव रहइबो। ब्लैक कलर को टोटली अवॉइड करंतु, व्हाइट कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर एवं सिल्वर कलर को अधिक यूज करंतु। बहुत भल फ्यूचर अछि, बहुत भल हेल्थ रहइबो फ्यूचर रे। आउ जणे कलर जड़चन ताक सहित कथा बा। हेलो 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 आज्ञा कौन तो का विषय जानिबे? मो सुजना द्विवेदी मो जना सुभस्मिता द्विवेदी 1998 मसे कार देखियो चाहौछंती 70 तारीख तार जन्म। अच्छा जियो कर देखियो चाहौछंती मो जियो विषय रे कौन तो जन्म तारीख 1998 मसे सेप्टेम्बर 17 तारीख मो जियो जन्म 17 सेप्टेम्बर हां 1998 समय कोन तो जन्म समय जन्म समय जी 755 राति 755 हां जन्म स्थान कोन तो बहुद्रपुर शासन और वन जिला बहुद्रपुर शासन। कौन जाने चाहचोंती जियंक विषय आपण जियरो भागर करे हो सर भविष्य कोन। अच्छा विवाह विषय जाना चाहूँ आप ठीक अच्छे आज्ञा आप सब देखा आप लग्न मेष लग्न जेहतु लग्न रोचे मेष लग्न लग्नाधिपति मंगल आप घरस्कोप फोर्थ हाउस पोजिशन रखुच्छे आप राशि रोचे आश्लेषा नक्षत्र कर्कट राशि आपणकर 9/4 जेहतु कर्कट राशि रोच कर्कट राशि लॉर्ड चंद्र आप घरस्कोप फोर्थ हाउस पोजिशन रखुच्छे चंद्र मंगल जोग अच्छे चंद्र मांगल्य जो क्रिएट हो अधिका लक्ष्मी मंत रोची झील बहुत भल स्वभाव रोची किंतु एग्रेसिव स्वभाव रोची अधिक अधिका स्ट्रेट फॉरवर्ड रोची जहाँ भी डिसीजन नौची लाइफ रे सडनली नहीं जाऊँ जोड़ा कि नेगेटिव होची किसी ना किसी संपर्क किसी ना किसी संबंध प्रत्येक समय खराब करुची पिला एवं हेल्थ को लेकिन प्रत्येक समय स्ट्रगल करुची कहीं लग्न में शनि प्रभाव रोची शनि बकरी है कि मेष राशि पोजिशन रोचे प्रत्येक समय किसी ना किसी स्ट्रगल करुची हेल्थ को लेकिन बॉडी पेन लेजिनेस एवं अधिका थंडा रिलेटेड समस्या लग रही पिला को वर्तमान समय जहाँ भी प्रोसेस करुच्ची प्रत्येक कार्य विलंब हो जाए कहीं शनि विलंबर काराग्रह लग्न पोजिशन रखुच्छे से अधिका स्ट्रगल हो मेरेज पर प्रश्न रोचे सेवेन्थ हाउस को फोकस करवा सेवेन्थ हाउस लॉर्ड शुक्र जेहतु फिफ्थ हाउस राहु और बुध सहित कंजक्शन करुच्ची राहुर क्लोज कंजक्शन आुक्र से अधिका नेगेटिव रोचे मेरेज में अहेतुक विलंब हो जाए जहाँ भी प्रोसेस करने को चाहती प्रपर्ली करना प्रपर्ली प्रपोजाल प्रस्ताव आसी पार नहीं वर्तमान समय आपण को वर्तमान समय लेट अच्छी आपण को अधिक स्ट्रगल किंतु आग को बहुत भल समय आसपा मेरेज हो पार 22 नवंबर 2022 पर मेरेजर जोग रोचे किंतु मेरेज पर गोटे प्रतिकार करूँ वर्तमान समय गोटे चंडी पूजा करूँ विशेषकर गौरी मंत्र को संपूर्ण करूँ सप्तशती चंडी में हे गौरी शंकर अर्धांगी यथात्म शंकर प्रिया तथा माम गुरु कल्याणी कांता कांता सुदुर्लभम ए मंत्र को संपूर्ण संपूर्ण करंतु सप्तशती चंडी रे बहुत शीघ्र मेरेज हे बहुत भल मेरेज पार्टनर अच्छी आपण राइट हैंड रो इंडेक्स फिंगर रे येलो सफायर पिंधतु आपंकर मेरेज लाइफ पई आपंकर फ्यूचर पई बहुत पॉजिटिव रहइबो। ब्लैक कलर को टोटली अवॉइड करंतु येलो कलर व्हाइट कलर एवं रेड कलर को अधिक यूज करंतु बहुत भल फ्यूचर अच्छे बहुत भल सक्सेस पाई आपण तो दर्शक बंधु आलोचना करछंती देखुछंती आप घरस्कोप रे कौन जगह अच्छे कहीं वैवाहिक दंपति सुख को लेकिन प्रत्येक समय आप प्रश्न आसपर पिलार केमती मेरेज हे केमती बहुत भल लाइफ पार्टनर पिला पाइपर केमती आपण मान सहित संबंध रखिए आपणकर पिलार जहाँ भी मेरेज हो मेरेज पर कते उत्तम बुझापणा रही पार आप प्रत्येक समय आप जानवाक इच्छा रखुच्चपी देखुं लग्न के स्ट्रंग अच्छी आप पिलार हरस्कोप सेकेंड हाउस के स्ट्रंग अच्छे आपंपर केमती आपणकर केमती बंडिंग रोचे पर देखापी सेकेंड हाउस को देखा जाए फोर्थ हाउस पिलार मानसिक स्थिति केमती रोचे केते पजिट मेन्टालीटर पिला सेभेन्थ हाउस केमती लाइफ पार्टनर पिला को मिल पार केमती क्यारेक्टर रिलार जहाँ सहित मेरेज हम केमती ट्रेड रोन ट्रेड रोचर जहाँ सहित पिलार मेरेज हम 8th हाउस मैरिज लाइफ केते दीर्घायु रहइबो मैरिज लाइफ केते दिन पर्यंत चलिबो केते लॉन्गजेविटी रहइबो देखिया पई 8th हाउस को देखा जाए 12th हाउस स्वामी स्त्री बंडिंग जहाँ भी संपर्क जहाँ भी संबंध रहउची
दाम्पत्य सुख कौन रोचे ट्वेल्थ हाउस रु देखा जाए से विशेषकर देखो कौन कौन जो रोचे आप हरस्कोप विशेषकर ये हाउस मानक जदि पॉजिटिव प्लानेट अधिक इनफ्लुएंस रोचे बहुत बड़ रही है आपको मैरिज लाइफ जदि अधिक पाप ग्रह प्रभाव रोचे मंगल शनि राहु केतु तेल अधिक स्ट्रगल करेंगे आप मैरिज लाइफ को लेकिन किसी ना कि समस्या आप फेस करेंगे आउ जड़े कलर जोड़ सहित कथा हेलो नमस्कार कौन तो कावेश जानवे कौन तो पुओं को जन्म तारीख जुलाई 14 जुलाई मसिया कौन तो 2010 आपनकर टीवी रो वॉल्यूम को म्यूट रखन तो हां टीवी रो वॉल्यूम को कम करले आगे आउतरे कौन तो जन्म तारीख जुलाई 14 2010 मसिया मंगलवार समय कोन 3:45 दिन 3:45 रात सकाळ हेले के तारीख रहूची 14 तारीख रहूची जन्म स्थान कोन तो केंद्रापड़ा कौन जाने चाहती पुओं विषय आप सर पुओ टे पाठशाठ कौन तार अच्छी आग को भविष्य चिड़चिड़ा स्वभाव हूँ कहीदे ठीक अच्छे आज्ञा पिलार हरस्कोप देखा लग्न मिथुन लग्न रोचे लग्नाधिपति बुध जहाँ भी डिसीजन नौ जहाँ भी स्वभाव रोचे लग्न को से देखा जाए लग्न लग्नाधिपति बुध आप हरस्कोप जेहेतु सेकेंड हाउस चंद्र सहित कंजक्शन करुच्ची आपं राशि रोच कर्कट राशि जेहेतु आश्लेषा नक्षत्र कर्कट राशि रोचे आपणकर 9/4 कर्कट राशि लॉर्ड चंद्र आप हरस्कोप जेहेतु सेकेंड हाउस पोजिशन नौ आपंकर लग्नाधिपति बुध मध्य सेकेंड हाउस पोजिशन रखुच्छी वर्तमान समय रे शुक्र दशा कंटिन्यू करुच्छी जेहेतु शुक्र फिफ्थ हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस मंगल सहित कंजक्शन करुच्छी से नेगेटिव रोचे एग्रेसीव स्वभाव रोचे प्रॉपर्ली फोकस कर पारना पढ़ापढ़ी अधिक फिकिल रोचे कनसेंट्रेसन अभाव रखुच्छी कथा कथा रागि जाऊँगी चिड़ी जाऊँगी वर्तमान समय रे पिला जेहेतु वर्तमान नेगेटिव चलती पिलार आग कि बहुत भल समय आस पाई 2022 एप्रिल परे परे 15 एप्रिल 2022 परे परे बहुत भल समय अच्छी बहुत भल कनसेट्रेसन रखिपार पढ़ापढ़ी प्रपर्ली मन लगे पिलार किंतु वर्तमान समय जेहेतु चिड़चिड़ा स्वभाव रोचे पिला गोटे प्रतिकार करूँ राइट हैंड लिटिल फिंगर में गोटे ब्लू मून पिंधातु मानसिक स्थिरता एवं फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव रहा ब्लैक कलर को टोटली एवॉइड करूँ अधिक येलो कलर व्हाइट कलर एवं ग्रीन कलर को यूज करूँ एवं प्रत्येक शुक्रवार दिन शिवलिंग में कंचा क्षीर चढ़ातु एवं 27 दुब पिलार नामकोत्तर चढ़ातु सर्वबाधा प्रशमन्नम त्रैलोक्ये साखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम मस्मद वैरि विनाशनम ए मंत्र रे 27 दुब पिलार नामकोत्तर चढ़ातु प्रत्येक शुक्रवार दिन जहाँ भी हेल्थ इश्यू आसूची जहाँ भी स्ट्रगल करुच्च मानसिक स्थिति को लेकिन बहुत भल कर फ्यूचर टेक्निकल सेक्टर में विशेषकर बढ़ी पार विशेषकर सॉफ्टवेयर फील्ड में बहुत भल करियर कर पार पिला पिलार चरित्र बहुत भल रार फ्यूचर बहुत भल अच्छी बहुत कम पढ़ की अधिक मेमोराइज कर पार पिला पिलार फ्यूचर बहुत भल अच्छी बहुत भल सक्सेस पाई फ्यूचर दर्शक बंधु देखुं आलोचना करतक कौन जग अच्छी आपको मानसिक स्थिति केमती रोचे से हिसाब से बहुत भल मेरेज पार्टनर आप केमती जिते बड़े भी आप मेरेज प्रपोजाल देखुं देखूँ हरस्कोप कौन जग अच्छी केते मैचिंग होपं पिलार जहाँ सहित मेरेजर प्रपोजाल आते मैचिंग होचिंग करवा बहुत भल मैचिंग कलापर मध्य लग्न केट्रंग अच्छी आपंकर मैच करुच्ची आप सहित सेकेंड हाउस केट्रंग अच्छी आपंकर मैच करुच्ची आप सहित एवं फोर्थ हाउस आपसिक स्थित केट्रंग अच्छी मानसिक स्थित केमती अच्छी फोर्थ हाउस देखो केुभ प्रभाव रोचे आपं सहित मैच करुच्ची जमीक आलोचना करुले फोर्थ हाउस चंद्र पोजिशन रही केमती रानसिक स्थित आपंकर मनर काराग्रह चंद्र जी फोर्थ हाउस पोजिशन रखे तेल अधिका मुडी स्वभाव आपे अधिका सेंटिमेंट आपतर रधिका भाव प्रवणता आपं भर रे जहाँ भी डिसीजन ने आप लाइफ अधिका हरिनेस रखिए किसी ना कि शीघ्रता जो नेगेटिव डिसीजन आपजे जदि फोर्थ हाउस आपंकर चंद्र पोजिशन रोचे आउ जो कल जुड़ सहित कथा हेलो हेलो आज्ञा कहतु क्या विषय जानवे
କୁହନ୍ତୁ ଝିଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ଝିଅ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 27/1/91 27 January 1991 ମସିହା ଆଉ ସମୟ ହେଉଛି 7:45 ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:45 ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବାହାର ଉଚ୍ଚରେ କାହିଁ ହେଇପାରୁନି, ପାଠ ପଢ଼ା ତ ଯାଇକିରି ଚାକିରି ବାକିରି ହେଉନି, ବିବାହଟା ସୁବିଧା ହେଉନି କୁଆଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ପୁରୀ। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ବିବାହର ବିଷୟରେ ଚାକିରି ତ ଜାଣିଛି, ହେଇପାରୁନି, ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ବିବାହ କେମିତି ହେଇଯାଆନ୍ତା ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଛନ୍ତି ଚାକିରି ପାଇଁ? ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କରିଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିକିରି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କୋଚିଂ ଏରିଆ ନେଇଛି। ଆଚ୍ଛା 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 ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦେଖିବା, ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍କୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ସିଂହ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ଅଗ୍ନିତତ୍ଵ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ମିଥୁନ ରାଶି 6/3। ଯେହେତୁ ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ, ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଯେହେତୁ 5th house ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ବହୁତ ଭଲ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ପିଲା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 5th house ଲର୍ଡ଼ 12th house ବକ୍ରି ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ବକ୍ରି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି, ଏପଟେ ସର୍ଭିସ୍କୁ ନେଇକି, ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରେ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରପର୍ଲି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସର୍ଭିସ୍ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଯେହେତୁ 7th house ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି, ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, ଆଗକୁ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରିବ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ 2022 September ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ହୋଇପାରିବ। 15 September 2022 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି 7th house ଫୋକସ୍ କରିବା, 7th house ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଯେହେତୁ 6th house ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାହୁ ସହିତ, ସେଥିପାଇଁ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ବକ୍ରି ଅଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ। ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ବି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆସୁଛି ପ୍ରପର୍ଲି ପ୍ରୋସେସ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ, ଆଗକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। 2022 November ପରେ ପରେ 16 November 2022 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଅଧିକା ନେଗେଟିଭ୍ ଯୋଗ ରହୁଛି ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ଶନି ବିଳମ୍ବର କାରାଗ୍ରହ, ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ବିବାହର କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାତ୍ୟାୟନୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ। କାତ୍ୟାୟନୀ ମହାମାୟେ ମହାଯୋଗିନ୍ୟଧୀଶ୍ୱରୀ ନନ୍ଦ ଗୋପେ ସୁତମ ଦେବୀ ପତିଂ ମେ କୁରୁତେ ନମ, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ପାଇପାରିବ ପିଲା। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗରରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଫାୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ରେଡ୍ କଲର୍, ସିଲଭର୍ କଲର୍କୁ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବ ପିଲା। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜୁଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଝିଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଝିଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 15/5/2017। ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। 15/5/2017। 15 May 2017। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 7:55। ସକାଳେ କି ସନ୍ଧ୍ୟା? ସକାଳ। 7:55। ହଁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଲୋ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ? ଝିଅର ଫ୍ୟୁଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ ପଢାପଢି କ'ଣ? ହ୍ୟାଲୋ ଝିଅର ଫ୍ୟୁଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପଢାପଢି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଯେହେତୁ 11th house ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଜାୟାର ପିଲାର ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ ହେବ। ପିଲାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଧନୁ ରାଶି, ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁ ରାଶି ରହୁଛି ପିଲାର 20/9। ଯେହେତୁ ଧନୁ ରାଶି ରହୁଛି ଏଜୁକେସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିର ରାଶି, 4th house ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ,
ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ରହିବ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପିଲାର ଅଧିକ ରହୁଛି, ଅଧିକା ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ିପାରିବ, ବହୁତ କମ୍ ପଢ଼ିକି ଅଧିକା ମେମୋରାଇଜ୍ କରିପାରିବ, ଟେକ୍ନିକାଲି ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହୁଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହୁଛି ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଖିବା ଶୁକ୍ରରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଉଛି ପିଲାର। ଥଣ୍ଡା ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଫିକିଲନେସ୍ ପିଲାକୁ ଅଧିକା ରହୁଛି। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ପିଲାର ଏଜୁକେସନରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପିଲା କରିପାରିବ। 21 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ିପାରିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପିଲାର। କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗିକି ରହୁଛି, ନେକ୍ରେ ମୁନ୍ଷ୍ଟନ୍ ଲକେଟ୍ କରିକି ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। 27 ଦୁବ ସର୍ବବାଧା ବିନିର୍ମୁକ୍ତ ଧନଧାନ୍ୟ ସୁତାନ୍ୱିତ ମନୁଷ୍ୟମତ୍ ପ୍ରସାଦେନ ଭବିଷ୍ୟତି ନ ସଂଶୟ, ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ 27 ଦୁବ ପିଲାର ନାମକୁ ତୋର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ହେଲ୍ଥ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ପିଲାର, ବହୁତ ପଜିଟିଭ ରହିବ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ପିଙ୍କ କଲର୍, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଏବଂ ୟେଲୋ କଲର୍କୁ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବ ପିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ କ'ଣ ଯୋଗ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ବିବାହ ପାଇଁ, ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ 4th ହାଉସ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। 4th ହାଉସ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ଅଛି, କାହିଁକିନା 4th ହାଉସ୍ ମନର ସ୍ଥାନ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ 4th ହାଉସ୍ରୁ ଦେଖାଯାଏ। 4th ହାଉସ୍ରେ କେମିତି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ଯଦି 4th ହାଉସ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପୋଷଣ ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ଥିର କାରାଗ୍ରହ, ଅଧିକା ହରିନେସ୍ ରଖିବ। ଯଦି 4th ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ରହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଚର ରାଶିରେ, ମେଷ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ମକର ରାଶି ଯଦି ରହୁଛି 4th ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର, ତାହେଲେ ମନ ଭିତରେ ଅଧିକା ହରିନେସ୍ ରହିବ। ଶୀଘ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବେ ଲାଇଫ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 4th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ପୋଷଣ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ମକର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି ଏବଂ ପାପ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହରିନେସ୍ ଲାଗିକି ରହିବ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବେ, କିଛି ନା କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବେ ଯେଉଁଟାକି ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ, ଲସ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଯିବ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 4th ହାଉସ୍ରେ, ମେଷ ରାଶିରେ, କର୍କଟ ରାଶିରେ, ତୁଳା ରାଶିରେ ଏବଂ ମକର ରାଶିରେ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁର ଯୋଗ ରହୁଛି 4th ହାଉସ୍ରେ, ମେଷ ରାଶିରେ, କର୍କଟ ରାଶିରେ, ତୁଳା ରାଶିରେ ଏବଂ ମକର ରାଶିରେ, ତାହେଲେ ଅଧିକା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର। ଚନ୍ଦ୍ର ମନର କାରାଗ୍ରହ, କେତୁ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ପ୍ଲାନେଟ୍, ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି 4th ହାଉସ୍ରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିବ। କରିବେ କି କରିବେନି ଭିତରେ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣ ରହିବେ। ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିର ଫାଇଦା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଅଧିକା ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ସ୍ୱଭାବର ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ବହୁତ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ। ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ କେତେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, କେତେ ପାପ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିବ, ଆପଣ କେମିତି ଡିସିସନ୍ ନେବେ। କାହିଁକିନା ମନର କାରାଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ପାପ ପ୍ରଭାବର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଇରିଟେସନ୍, ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ ପରିବାରରେ, ମାନସିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭଙ୍ଗ ରହିବ, ଭଙ୍ଗ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଯୋଗ ରହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇକି ଦେଖିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।